तो गाइज अभी हम आए हैं इंदौरा में छुटकू मटका रोटी सेंटर और भाई यहाँ पे आज मैं आपको पूरी मेकिंग दिखाऊंगा मटका रोटी जिसको राना रोटी भी बोलते हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखो, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइज अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे एक आटा गूंदा जा रहा है। तो ताई यहाँ नॉर्मल वाला आटा है का? जो आप कौन सा क्या मनता तेला लोकवान आटा, इसको लोकवान आटा बोलते हैं। और नॉर्मल आटे से होता है कि अगर घर पे किसी ने ट्राई किया तो? अच्छा, तो इसका मटका रोटी का आटा अलग रहता है ना? ओके, तो ये नॉर्मल वाला नहीं है, इसको लोकवान कुछ तो भी बोलते हैं जैसे दीदी ने बताया। तो ये आटे में क्या क्या जाता है? और कुछ नहीं, बस नमक। अच्छा, नमक और आटा बस, और पानी? तो अभी 10-15 मिनट आटा गूंदने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है भाई। अभी इसको भाई पटका जाएगा अच्छे से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको बढ़िया से पटका जा रहा है। तो इसको लगभग कितना टाइम पटकना पड़ता है दीदी? आधा घंटा। ये कंटिन्यू आधा घंटा चलता रहेगा ऐसे ही? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत का काम है गाइस, ये इसको अच्छे से आधा घंटा पौन घंटा इसको अच्छे से पटका जाएगा। उसके बाद एक हल्का सा स्लाइम जैसे बन जाएगा। दीदी अगर इसको कोई घर पे बनाना चाहे तो बना सकते क्या? नहीं, ना थोड़ी कोई नहीं बनाता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि नॉर्मल रोटी जैसा नहीं है ना। अच्छा तो हाँ हाँ, कोई नहीं बना पाएगा। अच्छा, तो गाइस अभी 5-10 मिनट हो गए और भाई इसका टेक्सचर अभी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। और इसको कम से कम 10-15 मिनट और इसी तरीके से इसको पटका जाएगा और एक बिल्कुल फाइनल में एक स्लाइम जैसे बन जाएगा। तो भाई अभी इसको अच्छे से यहाँ पे फेटा जा रहा है और भाई इसका टेक्सचर अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, एक हल्के से बबल्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो दीदी ये पता कैसे चलता है ये पूरा रेडी हो चुका है करके? जब तक इसका अच्छा बड़ा वॉल्यूम नहीं निकलता। अच्छा, जब तक ये पूरा अच्छे से बबल्स वगैरह नहीं आ जाते तब तक इसको ऐसे करना ही पड़ता कंटिन्यूस। ओके, और कितना टाइम लगेगा इसको अभी? और 15 मिनट लगेगी। ओके, तो गाइस अभी 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली ये आटा बन के रेडी हो चुका है। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बबल्स निकल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज अभी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मटके के ऊपर तेल लगाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डो ले लिया हाथ पे और इसको काफ़ी पतला बनाएंगे और इसको ऐसे मटके के ऊपर बढ़िया डाल देंगे आप। कितना टाइम लगता है इसको होने में वैसे? बस हो गई। तो हार्डली इसको 20 से 30 सेकेंड लगते होंगे और भाई ये फाइनली बन के तैयार भी हो गई है। चलो ये दूसरी वाली भी बन के रेडी हो गई। भाई मेरे घर पे बना है चिकन, मैं अभी लेके जाऊंगा इसको पार्सल, बढ़िया नॉनवेज के साथ इसको बढ़िया खाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बढ़िया खाओ पियो और ऐश करो। तो दीदी इसको ऑर्डर कर सकते हैं अपन? हाँ, ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ क्वांटिटी रहती है इसकी ऑर्डर करने की कि जितने चाहे उतने उतने कर सकते हैं अपन? आपकी मर्जी करे वो, कितना चाहिए आपको। अच्छा, और क्या रुपए प्राइस है इसका वैसे? ये 150 है इसका रेट। अच्छा, 150 में 16 पीस आते हैं। 16 पीस? हाँ। अच्छा ओके, और ऐसे नॉर्मल जिसको ऐसे खुले में चाहिए वो भी? हाँ, ले सकते हैं। तो पर पीस 10 रुपीज। पर पीस 10 रुपीज का। दीदी एक बार एड्रेस बता दीजिए आप एग्जैक्ट। ये आईटीआर कॉलेज, गवर्नमेंट आईटीआर कॉलेज। अच्छा, बिल्कुल उसके बाद ये बाजू में देख सकते हैं गाइस आप, आईटीआई कॉलेज अब दिख नहीं रहूँगा, ये सामने में इंदौरा में है पानी की टंकी, उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे छुटकू मटका रोटी सेंटर है। और दीदी वैसे टाइमिंग क्या रहता है अपना? हम सवेरे से चालू कर देते हैं शाम को 10-10:30 बजे तक। 10-10:30 बजे तक रहता है? ओके।